हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, मजबूत कैसे बनाएंगे। दोस्तों, ये कमेंट विपिन भाई का था, आप इस जगह पर देख सकते हैं। भाई, आप भी इसी तरह से कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा हैंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टेप बताऊंगा हैंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो भाई, वीडियो को कर दीजिए लाइक, नहीं तो आप भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करने के लिए भूल जाएंगे। तो लाइक कर दीजिए भाई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, आपको एक बांस ले लेना इतना बड़ा, ठीक है, एक हाथ का इतना बड़ा। जैसे कि मैं एक ये ले लिया हूँ। भाई, आपके घर में पाइप हो तो पाइप भी ले सकते हैं, कुछ भी इतना बड़ा होना चाहिए, चाहे लोहा क्यों ना हो। तो इतना बड़ा आपको ले लेना है, और लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है, इस तरह बैठ जाना है, एक जगह इस तरह बैठना है, और उसके बाद इसको रख देना है जमीन पर। रखने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह पूरा आपको अच्छे तरीके से बैठना है, ठीक है, इस तरह से आराम से बैठ जाना है। उसके बाद ये आपको रखना है, इस पर आप पूरा रोल करना है इस तरह। अभी मैं आपको खतरनाक सब ट्रिक भी बताऊंगा भाई, लेकिन आपको पहला स्टेप में इसी को करना है, रोज आपको करना है, तीनों स्टेप करना है आपको। पहले ये वाला करना है, ये जो आप कीजिएगा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपका हैंड। भाई, कोई मारेगा आपके हैंड में तो आपको चोट भी नहीं लगेगा। देखिए इस तरह, तो भाई ये वाला स्टेप करने के बाद आपको करना क्या है, फिर मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद आपको करना क्या है, हैंड पर चलना है। कैसे चलना है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इस तरह से चलना है, इस तरह से हो जाना है, उसके बाद आपको चलना है। ठीक है, इसी तरह से आपको चलना है भाई, मैं आपको बैक चल के दिखा रहा हूं। उसके बाद फिर से मैं आगे चल के दिखा रहा हूं। आहे, आहे। तो भाई आपको इसी तरह से चलना है। देखिए मेरा बेल्ट और ड्रेस दोनों गंदा हो गया भाई। भाई, वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अभी मैं आपको तीसरा ट्रिक जो बताऊंगा बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई, आपसे पहला बार में नहीं होगा। ये तो दोनों सिंपल था, आप आराम से कर लीजिएगा, लेकिन तीसरा ट्रिक भाई बहुत ही खतरनाक है, सीधा आपको गिरना होगा इस पर। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई, आपको डायरेक्ट इस पर गिरना है। तो भाई, इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं आपको गिर के दिखा रहा हूं कैसे आपको करना है। बहुत ही खतरनाक है भाई, आपको देखिए डायरेक्ट इस तरह है, और इसी तरह आपको देखिए जमीन पर गिरना, कैसे गिरना है देखिए आप ध्यान से। देखिए इसी तरह से आपको गिरना है भाई, बहुत ही खतरनाक का है भाई ये वाला स्टेप। अगर आप कीजिएगा तो आपका हाथ बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं भाई, करना क्या है आपको, पहले देखिए इस तरह से आपको बैठना है, इस तरह से बैठना है, और उसके बाद आपको गिरना है इस तरह। देखिए, ठीक है, शुरू में आपसे ऐसा ही होगा, लेकिन आपको बार बार करना है। पूरा बैठ करके इस तरह बैठ जाइए, बैठने के बाद गिरिए, उसके बाद आप खड़े होकर भी गिरने के लिए सीख जाएंगे। कहीं पर भी आप गिर लेंगे इस पर, चाहे रोड हो, पक्की हो, टाइल्स हो, कहीं पर भी गिर लेंगे भाई। यहाँ पर भी पूरा ठोस जमीन है, पत्थर सब भी है, कंकर सब भी है,
लेकिन इस बार भी मैं गिरा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया हूँ भाई ये वाला। तो देखिए आपको कर रहा है क्या, बहुत ही सिंपल है, इस तरह है नॉर्मल, और आपको इसी तरह गिर जाना है, सीधा सीधा जमीन पर गिरना है, इस तरह है नॉर्मल। इसी तरह से आपको भाई गिरना है। तो दोस्तों जब आप तीसरा प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा भाई, जब आप गिरिएगा तो आपका पंच पूरा टाइट होना चाहिए, पूरा टाइट होना चाहिए, और इस पर गिरना है आपको, इस पर गिरना है। और गिरिएगा जब आप नीचे, जैसे आप गिरिएगा तो आवाज निकालिएगा भाई, आवाज निकालने से आपको चोट का एहसास नहीं होगा भाई, चोट आपको उतना नहीं लगेगा भाई, चोट लगेगा ही नहीं भाई, आवाज निकालिएगा। और वो आवाज मुंह का आवाज नहीं निकालिएगा भाई, एक अंदर का आवाज निकलता है पूरा, ठीक है, वो मैं अभी आपको निकाल के नहीं दिखा सकता भाई, वो जिस टाइम करता हूँ उसी टाइम निकलता है, तो वो आपको करना होगा, अंदर का आवाज निकालना होगा पूरा, जैसे गिरेंगे पूरा आवाज निकालेंगे, वो आप धीरे धीरे सीख लीजिएगा, आपका आवाज निकलते निकलते वो खुद अंदर से निकलने लगेगा। तो भाई आपको गिरना है तो आवाज निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा भाई, आवाज जब निकालिएगा तो आपको चोट नहीं लगेगा, इसलिए मैं आवाज निकालता हूँ भाई, जितना पावर से आवाज निकालिएगा उतना ही आपको चोट नहीं लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा प्रैक्टिस आप तुरंत नहीं कीजिएगा, जब पहला दूसरा प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा तभी आप तीसरा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो भी पहले बैठ के कीजिएगा, पहले बैठ के आपको करना है। और सबसे पहले जो कीजिएगा आप, तो बेड पे कर सकते हैं या फील्ड में कर सकते हैं, जहां की घास हो, पक्की टाइल्स रोड वगैरह पर नहीं कीजिएगा भाई, नहीं तो आपका छिला सकता है ये सब, तो आपको वहां पर नहीं करना है, पहले सिंपल जो जमीन है जहां पर घास है वहां पर आप कर सकते हैं नॉर्मल, या बालू जहां पर हो वहां पर पहले कीजिए आप, तभी आप ठोस जमीन में कीजिएगा। मुझे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, रोड हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पूरा देखिए ठोस जमीन है, तो यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखाया, बहुत ही खतरनाक कर ये ट्रिक है भाई, ये वाला स्टेप अगर आप कीजिएगा तो बहुत ही मस्त बन जाएगा आपका हैंड। तो दोस्तों इसी तरह मैं कराटे मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर दोस्तों, रोज मेरा दो वीडियो अपलोड होता है, एक सुबह में और एक शाम में, शाम में मैं शुरू से कराटे सिखाता हूँ पार्ट बाय पार्ट, और सुबह में आप सब जो कमेंट करते हैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों अगर आपको भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। दोस्तों फिर मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।